तो हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि आपका होश उड़ जाएगा। फ्रेंड्स ये ट्रिक क्या है? फ्रेंड्स ये ट्रिक है, आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं शो करेगा, मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ। मैंने भी इस ट्रिक को ट्राई किया है और आप लोग को मैं प्रूफ भी आज दिखा दूंगा। मैं वीडियो अपलोड किया और सॉन्ग किसका है? सॉन्ग बादशाह का सॉन्ग यूज करके मेरा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। फ्रेंड्स आप लोग को मैं दिखा दूँ, 100% गारंटी है कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ डिसलाइक कर देना वीडियो को। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की ओर, ठीक है? तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है वो स्टेप और किस तरह से करना है। तो कुछ स्टेप आप लोग को फॉलो करना है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, कैसे करना है, मैं सब बता दूंगा, फुल एक एक वर्ड आपको समझा के। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखो, साइड में स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड? तो आप लोग क्या करो, मैंने पहले मेरा वाइट स्टूडियो ऑन कर लिया और ये मेरा सेकंड वाला चैनल, ठीक है? मैंने सेकंड वाला चैनल को ऑन कर दिया और इसका नाम है डी म्यूजिक कंपनी। तो आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे वो ट्रिक यूज़ करना है और कैसे यूज़ करके आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो मैं इस सॉन्ग को, ठीक है, ये वाला जो सॉन्ग है पानी पानी न्यू डीजे सॉन्ग, इस सॉन्ग के ऊपर मैंने ये ट्रिक यूज़ किया है। तो इस सॉन्ग को मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। वो इस सॉन्ग को मैंने 7 डे पहले अपलोड किया था, ठीक है फ्रेंड? 7 डे पहले मैंने अपलोड किया था, व्यूज़ कितने आप लोग देख सकते हो। तो इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है? जब पहले आप लोग सॉन्ग अपलोड करोगे, ठीक है ना फ्रेंड, तब तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा मैं दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं पहले आप लोग को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है या नहीं। आप लोग देख सकते हो नॉन है, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, ठीक है? और 7 डे हो गया फिर भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। आप लोग को मैं यूट्यूब में जाकर भी दिखा देता हूँ, ये मेरा चैनल है तो इसमें क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो। ये देखो, ये वाला सॉन्ग था बादशाह वाला सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग था पानी बनी। तो मैं आपको सॉन्ग को सुना देता हूँ, ठीक है? देखो फ्रेंड, चैनल वीडियो मोनेटाइज भी हुआ, ऐड भी आ गया, आप लोग देख सकते हो ऐड भी है, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ये कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है, ठीक है? ये क्रिएटिव लाइसेंस मैंने ले लिया है, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं। तो ये लाइसेंस कैसे ले सकते हो, तो आप लोग को मैं सॉन्ग भी सुना देता हूँ। सुन रहे हो? सुन सकते हो सॉन्ग, बादशाह का सॉन्ग तो फ्रेंड्स कैसे करना है ये ट्रिक आप लोग ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ। तो पहले आप लोग को क्या करना है, पहले आप लोग को वाइट स्टूडियो में जाना है, ठीक है? जब आप सॉन्ग अपलोड करोगे ना फ्रेंड, तब क्या करना है मैं बता देता हूँ। तब आप लोगों को ये जो पब्लिक वाला सिटी है ना, पहले आपको अपलोड कैसे करना है मैं यूट्यूब में जाके दिखाता हूँ। यूट्यूब में जाके दिखा देता हूँ, पहले क्या करना है मैं यूट्यूब में जाके दिखा देता हूँ आपको, तब भी आप लोग समझ सकोगे। तो फ्रेंड मैं इधर से मैंने एक वीडियो ले लिया, सपोज मैं ये वाला वीडियो ले लिया, ठीक है? इस वाले को मैंने अपलोड करूँगा, ठीक है? तो क्या करना है आप लोग फ्रेंड, पहले आप लोग को करना है, सब उसमें एक ऐसे से टाइटल दे दिया। तो इधर में आप लोग को क्या करके अपलोड करना पड़ेगा, इधर में आपको अपलोड करना पड़ेगा आन लिस्ट में रहकर आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा वीडियो। तो मैंने ऐसे करके रख दिया, ठीक है? अब आप लोग आपका जो वीडियो है जो टाइटल दे देना, डिस्क्रिप्शन लिख देना, अपलोड कर देना, ठीक है? आपका वीडियो एग्जाम्पल के लिए आपका वीडियो अपलोड हो गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है वाई टी स्टूडियो पर, जैसे कि मैं वाई टी स्टूडियो पर। अब आपको क्या करना है, वाई टी स्टूडियो में आकर आपको इधर में आके अनलिस्ट ही रहना देना है, ठीक है? अनलिस्ट में रख देना, ठीक है? तो मैं ऐसे पब्लिक कर दिया, अनलिस्ट में रख देना आप लोग। इधर में आप टैक्स कैटेगरी में आकर आप लोग क्या करना है, ये जो वाला सेटिंग है ना, इधर में आकर जो लिखा है इधर है, सॉरी इधर में जो लिखा है ना क्रिएटिव कॉमन, इधर में आके आप लोग को क्या करना है, क्रिएटिव कॉमन में आके आप लोग को प्लस वाला में क्लिक कर देना और इधर में रहेगा स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। तो आप लोग को उधर में से नहीं सिलेक्ट करना, आप लोग को सिलेक्ट करना है क्रिएटिव कॉमन्स पर। तो फ्रेंड्स देखना आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। आप क्रिएटिव कॉमन्स सिलेक्ट करना फ्रेंड्स, बैक आ जाना और बैक आ जाकर उधर में जो आपका अनलिस्ट है उसको पब्लिक कर देना और पब्लिक कर देकर आप लोग सेव कर देना। देखना आपका वीडियो 100% गारंटी, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। चाहे आप TCS का म्यूजिक ही क्यों ना यूज़ करो, चाहे सोनी म्यूजिक कंपनी का, आप भी जितना भी बड़ा कंपनी का म्यूजिक यूज़ करो, आपका चैनल में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आपको इस चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।